हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमकेजी क्रिएशन। आज हम सीखेंगे फोम को मोहरी पे कैसे परफेक्टली अटैच किया जाए, ताकि जब भी हम मोहरी का डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे उसमें कोई रिंकल ना आए। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम ये फोम को अटैच करने के बाद हम अपना बॉटम का डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिंकल आ जाते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और मुझे सपोर्ट करना भी ना भूलें। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं ये मोहरी को अटैच करना और मैं आपको बताऊंगी कि इसको किस तरीके से अटैच करें। सबसे पहले ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो कि हमें फोम पे अटैच करना होता है अंदर की साइड में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कपड़े को मोहरी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इस कपड़े को सीधी साइड में रखना है और यहाँ पे बाउंड्री पे सिलाई लगानी है। ये सिलाई लग गई है इस पे। अब हम फोम लेंगे और आपको ये ध्यान रखना है, आप जो फोम कटिंग करेंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। फोम के सेंटर में निशान लगाएंगे और मोहरी के भी सेंटर में आप निशान लगाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे इस फोम को आप रखेंगे। बिल्कुल सिलाई के पास में रखना है इसको ऐसे ऐसे, और इसको ऐसे पलट कर फिर हम यहां से सिलाई लगाएंगे। यहां से इसमें कितनी सफाई से इसमें ये जिगजैग भी बना है और इसमें रिंकल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल ही क्लैरिटी आ रही है। तो आप भी अगर इसी तरीके से फोम को अटैच करेंगे तो आपके जो मोहरी की क्लैरिटी है, सफाई है, बहुत अच्छे से आएगी। ये देखिए,